चुनाव को लेकर नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में चुनाव की व्यवस्था और नियमों पर पत्रकारों से चर्चा की गई। जिले में मतदान केंद्रों और अधिकारियों की नियुक्ति से अवगत कराया गया। आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जिले में सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक। नरसिंहपुर जिले में दो लोकसभा चुनाव मंडल होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र। नरसिंहपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 78,569, जिनमें पुरुष 4,10,545, महिला 3,74,911 और कुल मतदान केंद्र 1,012 बनाए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर ने मीडिया से साझा की। तो क्या ये सोशल मीडिया पर इसके संबंध में देखिए विस्तृत दिशा निर्देश जो आएंगे उसका हमको परीक्षण करना पड़ेगा। क्या सोशल मीडिया को पेड न्यूज में लेंगे कि नहीं लेंगे, ये मुझे लगता है संभव कि आप इस बात को कहना चाह रहे हैं कि कल निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि फेसबुक पर अगर प्रचार होता है तो वो पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि पैसे लेके कर रहे हैं और उसका वो कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल आना चाहिए। भारत निर्वाचन ने मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए नंबर जारी किया 1950 1950। ये नंबर पे भी आप फोन करते हैं तो हमारे जिले के कंट्रोल रूम का नंबर लगेगा, यहाँ से आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नहीं, किस जगह दर्ज है, कौन सा मतदान केंद्र है आपका, उसके बाद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।